आपका स्वागत कर रहा हूँ और मेरे साथ मौजूद है मनीष जैन साहब। जी हाँ, मनीष जैन की तारीफ हम सुने उससे पहले हम वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये मनीष जैन जी को ये ट्रॉफी मिली है और क्यों मिली है हम बात शुरू करते हैं। कोरोना काल में लोगों ने सेहत के प्रति अपना ध्यान देना शुरू करा और यही कारण रहा कि साइकिलिंग को लोगों ने अपनाया। साइकिलिंग पहले भी होती रही है लेकिन इंदौर में साइकिलिंग का एक क्रेज बढ़ा है और उसी क्रेज को मनीष जैन जैसे व्यक्तियों ने आगे बढ़ा है। मनीष जैन जी इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया तक की एक यात्रा करके आए हैं, वो क्या यात्रा थी इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। मनीष जी तत्काल टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मनीष जी ये जो यात्रा शुरू करी आपने इसका क्या कंसेप्ट था और किसने इसको आयोजित करा था, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई? ये दिल्ली रेंडोनियर्स ने ये ऑर्गेनाइज किया था। इसमें आपको टास्क दिया गया है कि आपको 1460 किलोमीटर चलाना है। इसमें पाँच दिन और 6 रातों का सफ़र था ये, जिसमें आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है। पहला हमारा दिल्ली से जयपुर था, फिर जयपुर से भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा से फिर रतनपुर था, रतनपुर से बड़ौदा गए हम लोग, बड़ौदा से वापी से फिर आखिरी में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ये पूरा 1460 किलोमीटर का था सफर। 1460 किलोमीटर आप गए, प्रतिदिन कितना किलोमीटर आप साइकिल चलाते थे? पहले हम दोनों पहले दिन दिल्ली से जयपुर 280 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसके बाद जयपुर से भीलवाड़ा जो थी वो जो 235 किलोमीटर साइकिल थी, भीलवाड़ा से रतनपुर फिर 283 किलोमीटर साइकिल थी, उसके बाद रतनपुर से जो बड़ौदा था उसका सफ़र 240 किलोमीटर का था। 240 किलोमीटर के बाद हमने जो बड़ौदा से वापी करा वो भी 233 किलोमीटर का, आखिरी में 190 किलोमीटर मुंबई में हम पहुँचे वापी से। इतनी लंबी यात्रा के लिए यकीन तैयारी करना पड़ती है। इंदौर में आपने इस यात्रा के लिए कब से तैयारी शुरू करी थी और ये कार्यक्रम अचानक बना कि आपके जहन में था कि मुझे ये टारगेट पूरा करना ही है? ये साइकिलिंग हम लोग साइकिलिंग ग्रुप है, इंदौर साइकिलिंग क्लब है इंदौर में। मैं 5 बार SR भी रह चुका हूँ, जिसमें आपको 200, 300, 400, 600 किलोमीटर की साइकिल हर साल में कैलेंडर ईयर नवंबर से अक्टूबर तक रहता है वो शुरू करना पड़ता है। उसमें आपको SR की एक पदवी मिल जाती है, सुपर रेंडोनियर की, जिससे आप ये हैबिट हो जाती है फिर, और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मैं 5 बार SR कर चुका हूँ और फिर मैं पेरिस भी गया था, वहाँ पर भी 1230 किलोमीटर की साइकिलिंग करी। और ये एक शौक है, आपको अगर सेहतमंद रहना है आपको मज़ा आने लगता है। मज़ा आने के लिए आप सेहतमंद रहोगे, आप खुश रहोगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मनीष जैन साहब जी, आप जिस समय भारत की साइकिलिंग करके आए हैं, कोरोना काल चल रहा है, पूरे भारत में एक अजीब सा माहौल है, आपने इंडिया गेट से शुरू करके गेटवे ऑफ इंडिया तक आया, क्या भारत की आपने दशा दिशा देखी इस समय, क्या भारत किस तरह क्या कर रहा है? रोड है तो गडकरी साहब ने बहुत अच्छी रोड बना दी, सब लोग ही साइकिलिंग कर सकते हैं। हाँ, ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आपको हैबिट होनी चाहिए। भारत का ये भारत है, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के ड्राइवर्स भी हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग भी हैं, और लेकिन रोड है बहुत ही अच्छी है, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यकीनन मनीष जैन से हमारे दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं वो आपसे प्रेरणा करेंगे। भविष्य में आप और किसी टूर पे जाना चाहते हैं या फिर कोई सपना हो जो आप पूरा करना चाह रहे हो? अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं लंदन, एडिनबर्ग लंदन की, जिसमें 1500 किलोमीटर हमको साइकिल करनी है लंदन में। वो इस साल होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई है एक साल, 2022 में अब ऑर्गेनाइज करते, देखते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन का भी काम है तो वो अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। तो दोस्तों ये थे मनीष जैन साहब जो कि साइकिलिंग में एक अच्छा टूर करके आए हैं।
इंडिया गेट से गेट फॉर इंडिया, और इंदौर में साइकिलिंग का जो क्रेज बढ़ा है, मनीष जैन जैसे साइकिलिस्ट ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका जो भविष्य का कार्यक्रम है लंदन जाने का, वो जल्द ही पूरा हो और उस समय एक बार फिर इनके अचीवमेंट पर हमसे मुलाकात करेंगे। मनीष जी, आपने तत्काल टाइम से बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।